इंडिया का ऐसा रेलवे स्टेशन जहां पर ट्रेन रुकने के बजाय अपनी दुगनी स्पीड से और तेज से भागने लगे और स्टेशन पर ना रुके, और वहां के पैसेंजर्स जो उस ट्रेन पे बैठे हुए हैं उनके अंदर एक डर का माहौल आ जाए और वो ट्रेन के खिड़की दरवाजे को जोर से बंद कर लें और धीरे धीरे इस स्टेशन पर सारी की सारी ट्रेनों का रुकना ही बंद हो जाए। ट्रेन अपनी दुगनी रफ्तार से भागती जाए लेकिन स्टेशन पर ना रुके, और कोई भी इंसान उस स्टेशन पर ना आना चाहे, ना ही उसमें चढ़ना चाहे, ना ही वहां से ट्रेन पकड़ना चाहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है रेलवे स्टेशन जो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला होता है वहां पे लोग ठहरना ना चाहें, सुन के बहुत आश्चर्य होता है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि स्टेशन में जो भी खौफनाक चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे एक लड़की का हाथ है, तो आप ये सुन के और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। और तो और यहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अपनी जॉब छोड़ छोड़ के कहीं और जाके शिफ्ट होना चाहे लेकिन इस रेलवे स्टेशन में नहीं ठहरना चाहे, ये चीज़ सुन के आपको बहुत अजीब फील होगा। और ये खौफनाक सिलसिला कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरे 42 साल तक लगातार चलता रहे, ये चीज़ सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आइए मैं आपके अंदर पनप रहे जज्बातों को देखते हुए इस रेलवे स्टेशन की पूरी कहानी आपको बताता हूँ कि ये कैसे रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन बन गया। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया जिले के बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन के बारे में। तो बात है 1962 की, जब बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन को खोला गया और इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान रहा। स्टेशन खुलने के कुछ सालों बाद तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन बाद में यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। लोग कहने लगे कि इस रेलवे स्टेशन से जब भी ट्रेन गुजरती है तो उसके साथ साथ एक लड़की चलती जाती है और फिर वह दौड़ते दौड़ते ट्रेन के आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करते थे, जब भी किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता था तो यहाँ कुछ दिन काम करते थे और काम करने के बाद वहाँ से भाग जाया करते थे और ये कहते थे कि अगर उन्हें ज़बरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर रखा गया तो वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करेंगे। 1962 में जब रेलवे स्टेशन बना तो अगले 5 सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1967 में एक अजीबोगरीब घटना हुई। मोहन नाम के स्टेशन मास्टर ने एक लड़की को ट्रेन के साथ चलते हुए देखा तो पहले दिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ भागते हुए देखा और वो लड़की इतना तेज भागती है कि वो ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन की पटरी के आगे निकलते हुए दौड़ती जाती है। ये नज़ारा स्टेशन मास्टर को और भी ज़्यादा डरा देता है। इसके साथ साथ ट्रेन पर बैठे पैसेंजर्स ने भी कहा कि जब भी ट्रेन स्टेशन से गुजरती है तो एक लड़की साथ साथ दौड़ती जाती है और ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन के पटरियों पर भागने लगती है और पटरियों पर नाचने लगती है और अचानक से गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को ये समझ में आ गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है बल्कि एक भूत है और वो डर के मारे अपने गांव चले गए। लेकिन गांव में जाने के बाद स्टेशन मास्टर की मौत हो गई, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये सारी बात गांव के कुछ लोगों को बताई थी जिससे ये सारी कहानी गांव में पूरी तरीके से आग की तरह फैल गई। इसके कुछ दिन बाद ही इस रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसने दूसरे दिन एप्लीकेशन दे दी कि मुझे कहीं और भेज दिया जाए, मैं इस रेलवे स्टेशन पर काम नहीं करूँगा। इसके बाद तीसरे स्टाफ को अपॉइंट किया गया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब गांव के लोग और भी ज़्यादा डरने लगे और इस स्टेशन में आने से कतराने लगे। गांव के सारे लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ने दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर सभी ने आना बंद कर दिया और ये रेलवे स्टेशन एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई और यहां तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जिस एरिया से रिलेटेड थे उन्होंने भी ये बात कह दी कि इस रेलवे स्टेशन में भूत है। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता था और बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि बड़े बड़े अधिकारी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी ये कह दिया कि इस स्टेशन पर भूत है और
ऐसा कहने के बाद कौन एम्प्लॉई इस रेलवे स्टेशन पर काम करेगा, और इसी कारण इस रेलवे स्टेशन को रेलवे के रिकॉर्ड में भूतिया करार दे दिया गया और 1968 में इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। 1968 के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी और समय बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आ गया और इसके बीच में इस रेलवे स्टेशन के बारे में तरह तरह की अजीबोगरीब बातें मशहूर हुई। इसके बाद एक रेलवे स्टेशन ऐसा स्टेशन बन गया जिसके बारे में किसी भी इंसान को शायद ही ना पता होगा। इसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों तक पहुंच गई और वो अपने टीम के साथ इस स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने इस गांव पर कदम रखा, गांव वालों ने उनसे सारी कहानी इस स्टेशन के बारे में बता डाली। गांव वालों का कहना था कि इस रेलवे स्टेशन पर कई साल पहले एक लड़की की मौत ट्रेन की पटरियों पर हो गई थी और उसी का भूत इस रेलवे स्टेशन पर था। गांव वालों का यहां तक भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे देखा गया है और कई बार रेलवे स्टेशन पर डांस करते भी देखा गया है। ऐसा भी कहा गया कि अगर उस लड़की की आत्मा को कोई देख लेता है तो उसकी मौत निश्चित ही हो जाती है। और इतनी सारी बात हो जाने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने उस रेलवे स्टेशन पर पूरी रात गुजारा लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इसी तरह वक्त बीतता गया और 2009 का वक्त आ गया जब ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफ़ी लंबा टाइम हो गया था और गांव वाले की तरफ से ये भी अर्जियां आ रही थी कि इस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाए क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके बाद ममता बनर्जी ने अच्छे से जांच पड़ताल की और कई साइंटिस्ट की हेल्प लेकर 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को आखिरकार खोल दिया गया। रेलवे स्टेशन तो खुल गया लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी गई कि 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन पर आती है। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। जैसे ही ट्रेन ये रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो कई लोग डरे सहमे से इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और चढ़ते हैं। अगले ही दिन फिर ट्रेन उसी तरह से स्टेशन पर रुकती है और चली जाती है और लोगों को यकीन हो जाता है कि अब इस स्टेशन से उन्हें कोई खतरा नहीं है। भले ही इस घटना को काफ़ी टाइम हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन आज भी इस रेलवे स्टेशन पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। और तो और 5 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी स्टाफ या कोई भी एम्प्लॉय यहाँ नहीं रुकता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। तो ये थी कहानी बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन की, जो पूरी तरीके से रियल है और इसे आज की सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। सो फ्रेंड्स, हम इस तरह की चीज़ों को पूरी तरीके से नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं या फिर भूत प्रेत इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं और हमारे सामने आती हैं तो इन्हें झुठलाना मुश्किल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या मानना है कि इस दुनिया में पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं? अगर होती हैं, आपका जवाब हाँ है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन को पूछने के लिए इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब हर जगह पर शेयर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।